सो गुड आफ्टरनून टू ऑल द डियरेस्ट वन. अपनी जर्नी चल रही है बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर की. पिछली क्लास में आपने देखा था कि आपको आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनने की कंडीशंस हमने डिस्कस की थी एंड बॉन्ड पैरामीटर्स. इन बॉन्ड पैरामीटर्स वी हैव टेकन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल. एक बॉन्ड पैरामीटर बचा है हमारा जो हम आज कवर करेंगे, उसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर. तो अब हम ले रहे हैं आपसे बॉन्ड ऑर्डर. तो अब आप साइड हेडिंग डालेंगे, इसको आप चाहें तो आप फोर भी कर सकते हैं क्योंकि आपने तीन बॉन्ड पैरामीटर प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं और इस लेक्चर में आप बॉन्ड ऑर्डर पढ़ रहे हैं. अब हम पहले ये देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है. दो एटम्स हैं, ठीक है, उनके बीच में एक बॉन्ड बना है. तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इज नॉन एज बॉन्ड ऑर्डर. जैसे H2 मॉलिक्यूल है, अपन सब जानते हैं, दो H के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है. O2 मॉलिक्यूल है, उनके बीच में एक डबल बॉन्ड होता है. N2 मॉलिक्यूल है, उसके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है. तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है. तो बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन अपन लिखेंगे अपन सब साथ. इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स. ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स. दो एटम के बीच में जो बॉन्ड के नंबर हैं उन्हें कहेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल, एच टू मॉलिक्यूल, ठीक है, अपन सब जानते हैं कि एच टू मॉलिक्यूल को आप क्लास 10 से लिखते चले आ रहे हैं, एच सिंगल बॉन्ड एच. तो बॉन्ड ऑर्डर का सिंबल बीओ कर देती हूं मैं, बीओ इक्वल टू 1. तो एच टू मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर, एक सिंगल बॉन्ड है उसमें, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है. ऐसे ही आप अगर देखेंगे O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल में O डबल बॉन्ड O होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर उसका कितना होता है, 2 होता है. ऐसे ही अगर आप N2 मॉलिक्यूल देखेंगे तो N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है. ऐसे ही अगर हम CO मॉलिक्यूल देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें भी हमने पढ़ा है कि C ट्रिपल बॉन्ड O होता है, तो उसको भी मतलब स्ट्रक्चर जब लिखेंगे आप तो बॉन्ड ऑर्डर उसका भी 3 होएगा. तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर है और ये सारी एग्जांपल्स हैं. आप डेफिनेशन के साथ साथ ये सारी एग्जांपल्स ले लेंगे तो ये बॉन्ड ऑर्डर, द फोर्थ पैरामीटर ऑफ बॉन्ड पैरामीटर्स वी हैव फिनिश्ड. इसमें एक बात अपन कंक्लूजन लिखेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ने के बाद कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है, जैसे 3, 2, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है, लेकिन उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होती है. जैसे बॉन्ड ऑर्डर का अगर कोई ऑर्डर पूछेगा तो N2 ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन H2, लेकिन वही ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी का भी होगा. बट अगर बॉन्ड लेंथ का कोई पूछेगा तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो H2 ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन N2. ये हम अभी लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे हम, एक स्टार लगा के सब साथ लिखेंगे अपन. ग्रेटर दी बॉन्ड ऑर्डर, है ना, ये ऑर्डर पढ़ा आपने, ग्रेटर दी बॉन्ड ऑर्डर. जैसे अपन बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं, एक नाम कहीं दिखे अगर बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी तो परेशान नहीं होंगे, मल्टीप्लिसिटी में जितने बॉन्ड के नंबर बढ़ते जाना. तो greater is the bond energy and lesser is the bond length. ठीक है, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी और उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम होगी. तो ये आपको इस तरह से अपन कुछ ऑर्डर लिख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी इज, सबसे ज़्यादा
एन टू जैसे, देन ओ टू एंड देन एच टू। ये काय का ऑर्डर लिखा है मैंने, ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लिखा है, जो कि बॉन्ड एनर्जी का भी सेम ही ऑर्डर है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अगर बॉन्ड लेंथ लेंगे हम तो बॉन्ड लेंथ का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो होएगा एच टू का सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है, फिर ओ टू उसका जस्ट अपोजिट होएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से मैं सक्सेसफुली अपन ने बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में सारा कुछ जो ज़रूरत है वो पढ़ लिया है। आप कंप्लीट कर लें, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू फिनिश वॉट एवर इट इज़ रिटन, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम जो पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर के बाद, इसके बाद हम एक चीज़ देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो भी इसी के अंदर है, मतलब वो भी इसका ही एक सब मतलब पार्ट है। आप लोगों ने पढ़ा है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, सबको पता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था अपन ने, वो स्पीशीज़ जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। तो व्हाट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, आर दोस स्पीशीज़ हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना थी मुझे, कि जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं बेटा, उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो अब आप ये लिखेंगे न्यू लाइन से, एक स्टार लगा के अपन ये लिखेंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, है ना, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, ब्रैकेट में हैविंग, आइसोलेटिंग स्पीशीज का एक लाइन या आधी लाइन, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम है। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। हर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स अबाउट दिस। जैसे अगर कोई आपसे कहे, जैसे हमें पता है F2, है ना, हम सब जानते हैं कि F2 जो है फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, एक फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो F2 मॉलिक्यूल अगर आप ले रहे हैं, और अगर आप O2-2 ले रहे हैं, जैसे अगर ये, अब F2 के बारे में तो सबको पता है कि सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन O2-2 में मतलब अपन को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो हमारे पास ये ट्रिक बड़ी अच्छी है कि एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, दो में 16 और -2 लगा है, यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों के अंदर, बोथ ऑफ देम हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स, और इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना है दोनों का, इनका बॉन्ड ऑर्डर है 1। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर दोनों का 1 है, एंड दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं ये, है ना। ऐसे ही अगर अपन चाहें तो और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपके पास एक और एग्जांपल दे रही हूँ मैं, N2 है सपोज, सेकेंड एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गई। जैसे आपके पास N2 है, ठीक है, फिर आपके पास CO है, फिर आपके पास NO पॉजिटिव है, ये तीन है। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, दो में 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें हम देखेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 8 और 6, अगेन 14 इलेक्ट्रॉन्स। NO पॉजिटिव, N में 7 और ऑक्सीजन में 8 और 7 यानी 15 में प्लस चार्ज लगा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम, तो अगेन 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तीनों में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जैसे हमें CO के बारे में मान के चलो नहीं पता, हमें NO पॉजिटिव के बारे में नहीं पता, लेकिन हमें N2 के बारे में क्लास 10 से पता है कि N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, और ये तीनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। तो ऑल द थ्री, सब में तीनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा, 3 होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा आ चुका है और आता रहता है। तो ये आप कंप्लीट कर लें। बाय दिस वी कैन से दैट द टॉपिक इज ओवर अबाउट द बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है, तो बॉन्ड पैरामीटर्स का टॉपिक अब हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आप पढ़ेंगे इसके बाद, मतलब अपने, अगर आप, मैं एक दफ़ा हल्का सा रिवाइज करवा रही हूँ कि सबसे पहले अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था ये वाला, तो हमने सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट किया था कॉजल और लिविस के अप्रोच से, है ना। उसके बाद हमने, अपन सब ने लिया था ऑक्टेट रूल,
फिर ऑक्टेट रूल के अंदर ही हमने बनाए थे लिविस स्ट्रक्चर्स, जिनका एक और नाम था लिविस टॉट स्ट्रक्चर्स, आप सबने पढ़ा ही। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में लिया था वो लिया था ऑक्टेट रूल, और उसके बाद फॉर्मल चार्ज, है ना। फॉर्मल चार्ज के बाद हम लोगों ने पढ़ा था लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल का जो टॉपिक था उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, हमने पढ़ा इसमें आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशंस फॉर इट्स फॉर्मेशन एंड देन बॉन्ड पैरामीटर्स। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इस चैप्टर में भी है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी वो टॉपिक आपको मिलेगा, उसका नाम है रेजोनेंस। तो अब मैं जो हेडिंग डाल रही हूँ वो हेडिंग है मेरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो आप सब मेरे साथ डालेंगे हेडिंग रेजोनेंस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इनका एक और नाम है वो भी आप चाहें तो लिख लें नीचे, कैनोनिकल, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। टू नेम्स ऑफ द सेम थिंग एंड बोथ आर सेम, है ना। तो आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी लिख लिया और आप एक और नाम लिख लें, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी आप इसमें नाम लिख सकते हैं, दोनों नाम एक ही चीज के हैं तो यू कैन राइट, ओके। अब मैं आपको जरा सा समझा रही हूँ, पहले थोड़ा सा आप समझ लें फिर अपन साथ लिखेंगे और डिपेक्ट करेंगे। ये रेजोनेंस होती क्या चीज़ है और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक अकेला लिविस स्ट्रक्चर जो हमने बनाए हैं वो अकेला मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टीज नहीं बता पाता, मतलब समटाइम्स अ सिंगल लिविस स्ट्रक्चर इज अनएबल टू एक्सप्लेन ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो इसलिए हमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, उनमें से एक स्ट्रक्चर, जैसे मान के चलो कोई मॉलिक्यूल है उसके तीन स्ट्रक्चर्स बनाए गए, तीनों जो हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन इन तीनों का हाइब्रिड जो है वो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल के बारे में समझाता है और वो सबसे स्टेबल है। तो इस फेनोमेना को कहा जाता है रेजोनेंस, और उस स्ट्रक्चर को जो तीनों का मिक्सचर होता है उसे कहा जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो अभी आप एक काम करेंगे, अभी लिखेंगे कुछ नहीं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल समझाऊंगी वो आप समझेंगे बगैर लिखे, क्योंकि उससे पहले कुछ लिखवाना भी होगा। मैं एक दफ़ा समझा दूँ एग्जांपल, उसके बाद आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, फिर अपन लोग लिख भी लेंगे। तो अभी जैसे मैंने मान के चलो कि ओजोन मॉलिक्यूल है, ठीक है, अपन सब जानते हैं, अपन ने फॉर्मल चार्ज जब पढ़ी थी तो उससे पहले हमने लिविस स्ट्रक्चर भी ओजोन का बनाया था और फॉर्मल चार्जेस भी अपन ने निकाल ली थी ओजोन की। तो हम सबको याद है कि ओजोन जब पढ़ाया गया था तो उसका स्ट्रक्चर हमने बताया था कि बेंट स्ट्रक्चर होता है, आपको याद होएगा, और मैंने कहा था कि जब एक से ज़्यादा बॉन्ड होए तो एक ट्रिक बताई थी कि एक जगह आप डबल बॉन्ड लगा दें, तो ये आपने लगा दिया। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं तो हमें पता है कि हम यहाँ पर तीन लोन पेयर लगाएंगे तो ये आठ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर दो दो चार हैं तो हमने दो लगा दिए तो ये आठ हो गए, और यहाँ पर सिक्स हैं तो हमने ये दो लगा दिए तो ये हो गए हमारे एट, मतलब ये हमारा पूरा ओजोन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन क्या है कि जब देखा गया, जैसे अगर आप देखोगे तो ये सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है। अभी मैंने आपको समझाया कि बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की अलग होती है डबल बॉन्ड से, मतलब बॉन्ड लेंथ सिंगल की ज़्यादा होती है डबल की कम होती है। तो दोनों की बॉन्ड लेंथ, जैसे अपन ने जो स्ट्रक्चर इन्होंने दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 148 पिकोमीटर है, ठीक है, और इसकी है 121 पिकोमीटर, क्योंकि यकीनन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड की कम होती है। लेकिन एक बड़ी स्पेशल बात देखी गई कि अगर कोई कहे कि नहीं हम इस स्ट्रक्चर को यूँ बनाएंगे तो उसको कोई गलत तो नहीं कह सकता, कोई बंदा बोले कि हम इस डबल बॉन्ड को यहाँ लगाएंगे, भाई आपने वहाँ लगाया लेकिन हम यहाँ लगाएंगे, तो आप उसको मना नहीं कर सकते, क्यों मना करोगे, क्योंकि सही तो बना है उसने, डबल बॉन्ड को उस साइड लगा दिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दो लोन पेयर आ गए, यहाँ पर एक ही आया और यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ तीन लोन पेयर आ गए, और बीच में हम एक साइन लगा रहे हैं, एक एरो जो कि डबल साइडेड है, ये रेजोनेंस की साइन है। इस टाइम हम देख रहे हैं कि ये 148 पिकोमीटर बनाएंगे हम जैसे, और ये 121। लेकिन बड़ी स्पेशल बात आपको मैं बताऊंगी तो आप हैरत में होंगे कि जब ओजोन मॉलिक्यूल का एक्सरे डिफ्रेक्शन और बड़ी बड़ी टेक्निक्स जो होती हैं उनसे जब मेजर किया बॉन्ड लेंथ, तो देखा गया कि ओजोन मॉलिक्यूल में
ये और ये दोनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वल है, ये क्वेश्चन वन मार्क का भी आता है, आर दी बॉन्ड लेंथ ऑफ बोथ दी बॉन्ड्स इन ओजोन मॉलिक्यूल इक्वल और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका आंसर होता है यस, बोथ द बॉन्ड्स हैव इक्वल बॉन्ड लेंथ ड्यू टू रेजोनेंस। अब क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि ओजोन के दो स्ट्रक्चर हैं, जैसे एक ये स्ट्रक्चर है ठीक है और एक ये भी स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर ओजोन के हैं, लेकिन ओजोन का कुछ प्रॉपर्टीज इससे समझ में आ रही है, कुछ इससे समझ में आ रही है, बट दीज टू आर नॉट द एक्चुअल रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इन दोनों के बीच का एक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जैसे आप एग्रीकल्चर में भी देखते हैं ना कि कभी कभी अपन के दो प्लांट्स को मिक्स करके जब अपन कोई प्लांट बनाते हैं तो उसका हाइब्रिड प्लांट कहा जाता है, और उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी मतलब बहुत अच्छा होता है वो। ऐसे ही ये दोनों स्ट्रक्चर को मिला के एक स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, जिसको हम ऐसे बनाएंगे, मतलब हम उसको लिखेंगे ऐसे, ये डॉटेड लाइन लगाएंगे कि मतलब डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर है वो वन और टू दोनों स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर है, और उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज वन की भी हैं और कुछ प्रॉपर्टीज उसमें टू की भी हैं, और वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है। जब जैसे ये स्ट्रक्चर से एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी है सबसे लीस्ट है, इसलिए वो सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाई ओजोन मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ बराबर है, तो आप कहोगे ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि ना तो ये स्ट्रक्चर एग्जैक्ट है ना ये स्ट्रक्चर है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ है कभी डबल बॉन्ड वहाँ है, तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर आएगा जिसके अंदर डबल बॉन्ड कहीं भी एक जगह नहीं होगा बल्कि मिक्सचर होएगा और वहाँ पर बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाएगी। तो देखा गया कि इन ओजोन बोथ द बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ है ना, दोनों बॉन्ड जो है वो इक्वल लेंथ के हैं। बोथ द बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ दैट इज 128 पिकोमीटर। This is due to resonance. तो अभी आप एक दफ़ा लिखेंगे कुछ नहीं, अभी मैंने मना किया था आपको, अभी आप समझ गए होंगे अच्छी तरह कि रेजोनेंस का मतलब क्या है। तो रेजोनेंस के मतलब के लिए हम पहली लाइन लिखवा रहे हैं आप सबको। अब आप स्टार्ट करें, समटाइम्स इस तरह से अपन एक दो लाइनों का एक इंट्रोडक्शन देंगे। समटाइम्स अ सिंगल लिविस स्ट्रक्चर Sometimes a single Lewis structure is not able to explain all the properties of a compound. So sometimes a single Lewis structure is not able to explain all the properties of a compound. ठीक है? Hence इसलिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर देयर, हैंस डिफरेंट रेजोनेटिंग कर दो इनको, हैंस डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर अमंग देम The resonance hybrid is the structure among them. The resonance hybrid is the structure which explain all the properties of a compound. and it is of least energy. ठीक है, इसके बाद आप फॉर एग्जाम्पल लिखिए ओजोन मॉलिक्यूल। अब आप जो बोर्ड पे लिखा है वो पूरा का पूरा आप लिख लें, फिर अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से आप जो बोर्ड पे लिखा है ओजोन का वो पूरा के पूरे स्ट्रक्चर्स आप बना लें, और बहुत ही अच्छी तरह समझ के बना लें उनको, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर मैं आपको और भी एग्जाम्पल्स अभी दे दूंगी, जब तक आप ये बना लें देन वी विल टेक मोर लाइक एग्जाम्पल्स।
ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ भी आ गया होगा, और अगर आप चाहें तो इनको ऐसे ब्रैकेट में भी कर लेंगे, इस तरह से आप थोड़ा सा सिमेट्रिकल लगता है वो, आप चाहें तो ऐसे ब्रैकेट में इनको कर लेंगे, और ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। सो अपन ने देखा कि सिंगल बॉन्ड का 148 पिकोमीटर है, जो कि ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है, डबल बॉन्ड का 121 है, बट ओजोन के मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम है, जिसका वैल्यू आ रही है 128 पिकोमीटर। इसका जैसे मैं ज़्यादातर आपसे कहती हूँ कि आप लेंथ याद नहीं करो, लेकिन अगर आप याद कर सकते हो तो कम से कम एक आध दो एग्जाम्पल की कर लो, ताकि जब आप डिपेक्ट करो तो आपको समझा के बता पाओ कि हाँ भाई ये अलग अलग था, लेकिन एक्चुअली अलग नहीं है बल्कि वो सेम है। ठीक है, तो ये आपका एक बढ़िया एग्जाम्पल हो गई है। अब इन्हीं स्ट्रक्चर्स में मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, आगे स्ट्रक्चर्स बनाने से पहले आप गौर से देखिए तो मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी। ये बताया जाता है कि जो रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप बनाते बनाते समझ लें, उनके अंदर पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई सेम रहती है, न्यूक्लियाई की पोजीशन चेंज नहीं होती। जैसे आप देखेंगे अगर यहाँ पर ये न्यूक्लियाई की जो पोजीशन है ये तीन, ऐसे यहाँ पर भी तीन न्यूक्लियाई सेम की सेम जगहों पर हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स सेम रहते हैं। जैसे आप देखिए बॉन्ड पेयर्स 1, 2, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, और लोन पेयर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और 6 लोन पेयर्स हैं। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो 3, 5, 6 लोन पेयर्स और 3 बॉन्ड पेयर्स। सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपस में किस चीज़ में डिफर करते हैं, वो डिफर करते हैं इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन 2 थे, तो अब यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन इधर चेंज हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन की जगहें चेंज हो गई, बट इलेक्ट्रॉन्स के नंबर और उनके टाइप यानी बॉन्ड पेयर्स या लोन पेयर्स सेम रहे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियाई की पोजीशंस भी सेम रहे। तो अब आप अपन ये लिखेंगे, अपन एक डेफिनेशन डाल देंगे, एक अलग से एक डेफिनेशन डाल देंगे रेजोनेंस की, तो वो अच्छी रहेगी अपन को, और अपन उसी डेफिनेशन, जैसे अगर कभी क्वेश्चन भी आता है कि डिफाइन रेजोनेंस, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तब आप एक क्वेश्चन अपन डालेंगे यहाँ पर, उस क्वेश्चन में अपन लिखेंगे डिफाइन रेजोनेंस। तो प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन डिफाइन रेजोनेंस, जो अपन ने शुरू में लिखवाया है उसी जैसा है, उसमें थोड़ा सा और ऐड किया जाएगा तो वह बढ़िया डेफिनेशन बन जाएगी आपकी। डिफाइन रेजोनेंस जल्दी से आप लिख लें। ओके, अब अपन डेफिनेशन सब लोग लिख लेंगे एक साथ, वहीं से शुरू होएगी डेफिनेशन जो शुरू में करवाई थी। व्हेन अ सिंगल लिविस स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, व्हेन अ सिंगल लिविस स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, अगेन व्हेन अ सिंगल लिविस स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, देन डिफरेंट कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स then different canonical or resonating structures के बाद having similar energy comma position of nuclei same number of bonding and non-bonding electrons, then different canonical or resonating structures are taken having similar energy, comma, position of nuclei
कॉमा सेम नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अमंग देम इन सब में मतलब ये जितने भी बनाए होंगे among them the hybrid structure represent the molecule accurately. ओके चिल्ड्रन, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है आज अपन। आप जल्दी से डेफिनेशन को कंप्लीट कर लें, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हमने अभी ली है। अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे और उसको हम लोग करने वाले हैं। तो अपन एक और एग्जाम्पल लेंगे, तो आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, क्वेश्चन डाल दें इसके बाद। Draw all the resonating structures of carbonate ion. ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन का हम आंसर लिखना है। क्वेश्चन आपने लिख लिया है, Draw all the resonating structures of carbonate ion. कार्बोनेट आयन होता है हमारा CO3-2। CO3-2 में आपने देखा कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के पास, कार्बन के पास अगर अपन आउटर शेल ले रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 6 × 3 = 18 है प्लस 2, तो आपके पास टोटल 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। आपने इसका पहले भी जब मैंने लिविस स्ट्रक्चर्स बनाए थे और फॉर्मल चार्जेस वाले कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ लिया है, और हमने वैसे भी आपको समझा दिया है कि अगर आपके पास 3 बॉन्ड है तो एक तो आपको डबल बॉन्ड लगाना ही है और बाकियों को आप सिंगल बॉन्ड लगा दो। जहाँ सिंगल बॉन्ड है हमेशा वहाँ 3 लोन पेयर आते हैं, और जहाँ डबल बॉन्ड है यकीनन वहाँ पर 2 लोन पेयर आएंगे ताकि उसकी ऑक्टेट को पूरी कर लें अपन। ठीक है, तो ये एक हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, -2 चार्ज हम ऊपर लगा देंगे। आपको जैसे बताया गया कि रेजोनेंस का साइन क्या होता है, एक एरो होता है जो कि दोनों साइड से एरो लगा होता है, 2-sided एरो। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ जैसे आपको बताया गया है कि पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई सेम रहेंगी, नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी भी सेम रहेगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो यह डबल बॉन्ड आप कहीं और कर दो, किसी और बॉन्ड पे कर दें, सपोज अपन ने डबल बॉन्ड यहाँ कर दिया, सिंगल बॉन्ड यहाँ ले लिए, है ना, और ये पूरा का पूरा -2 तो रहेगा ही रहेगा। तो जहाँ पर डबल बॉन्ड थे वहाँ 2 लोन पेयर लगा दिए, जहाँ सिंगल बॉन्ड थे वहाँ पर 3 लोन पेयर लग गए, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बॉन्डिंग है और नॉन बॉन्डिंग वो आपके सेम रहे, उनमें अपन ने कोई भी नहीं करा। अब अगर आप गौर से देख रहे हैं तो आप तो खुद समझदार हैं, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट लिविस स्ट्रक्चर से आ रहा है। जो बच्चा शुरू से समझ रहा है लिविस स्ट्रक्चर वो सारी चीज़ें समझता जा रहा है, एक से जुड़ी हुई हैं चीज़ें। अब हम आप गौर करेंगे अगर आप, तो फिर आपने यहाँ पर मतलब एरो लगाया, तो अब आप फिर देखेंगे कि यहाँ पर आपका यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, अब आपका डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है और ये यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो ये आपका इस तरह से पोजीशन लोन पेयर की चेंज हो गई है, ये पोजीशन चेंज हो गई और अब ये आपका -2। सो ये स्ट्रक्चर 1 हुआ, है ना, ये स्ट्रक्चर 2 हुआ आपका, और ये स्ट्रक्चर आपका 3 हुआ। और रेजोनेंस हाइब्रिड हर जगह बनाने की नहीं, बनाओ तो बना चलेगा, जरूरी नहीं कि हर जगह बनाओ, जहाँ बनाना चाहो बना दो। यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन लगा देंगे अपन, तो अपन कह देंगे दिस इज आर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, RH कर दिया मैंने, यानी दिस इज आर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर विच एक्सप्लेन ऑल दी प्रॉपर्टीज एंड इट इज द वन हैविंग द लीस्ट एनर्जी। तो जल्दी से आप बना लें, कार्बोनेट मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने हैं और आप उनको जल्दी से बना रहे हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं अपन, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा इसके अंदर यकीनन, क्योंकि जब कोई चीज़ आप मतलब देख रहे हैं अगर कि समझ में आ रही है तो यकीनन वो चीज़ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में। तो आप प्लीज़ ये वाला कर लें, ताकि फिर अपन आगे एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मैं एग्जांपल देना चाहूँगी इसके बाद।
और वैसे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप कितने भी कोई से भी क्वेश्चन आएगा तो वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ लिविस स्ट्रक्चर ही होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप ऑल्टर या चेंज अपनी जगहों से करते जाना है बस। सो आई होप कि आपने ये वाला भी कर लिया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो ये वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं, जब तक आप ये जल्दी से पूरा कंप्लीट कर लें। ड्रॉ द रेजोनेटिंग में RS कर दिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। सो लेट अस स्टार्ट। CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, इसके जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो हम देखेंगे। अभी से हम बता रहे हैं कि जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ होगी, जैसे कार्बोनेट के बारे में नहीं बताया तो कोई बात नहीं, दो एक एग्जांपल में याद कर सकते हैं अपन बॉन्ड लेंथ कि इसके अंदर एक कि सिंगल मतलब इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होएगा उसमें एक्चुअल जो बॉन्ड लेंथ CO2 मॉलिक्यूल की है उसमें भी बॉन्ड्स इक्वल हैं 110 पिकोमीटर, लेकिन अकेले डबल बॉन्ड की 115 पिकोमीटर है और बॉन्ड लेंथ मतलब बदलती जा रही है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 110 है और उसमें अलग अलग है, वो अपन मैं बना के बता रही हूँ अभी। तो CO2 मॉलिक्यूल अब आप लिखेंगे, इसका अपन अब करेंगे, ठीक है। तो आपको जैसे CO2 में अगर आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है तो इसके 4 हैं और इसके अंदर 8 to the 16 एंड 4 यानी यू हैव 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपके पास 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं। 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हमें क्या देखना है कि ये कार्बन है जैसे हमारा, यहाँ हमारा ऑक्सीजन है और यहाँ हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपन यहाँ पर ये बना दिया, फिर इसके पास कंप्लीट करने के लिए आपने ये बना दिए, ठीक है ना। हर उसके पास ऑक्टेट हो गया है और आपका स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, ये डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड ओ, ये आपके पास अगर आप इलेक्ट्रॉन भी गिनेंगे तो 20 आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये आ रहे हैं। हाँ, यहाँ गलती ज़रा सी हो रही है इसलिए कन्फ्यूजन हुआ था। ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 हैं तो ये 12 आएगा, इस तरह से ये आपका 16। आप टोटल से नहीं करो बल्कि आउटर शेल से ही अपन कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था वहाँ, इसलिए तो 16 इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो ये एक स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का। इस स्ट्रक्चर को ज़रा सा समझेंगे आप कैसे, जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर कहीं भी घूम सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। अगर यहाँ ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पे 3 और 2 पेंटावेलेंसी हो जाएगी। उस पेंटावेलेंसी अनस्टेबल है तो फौरन ये बॉन्ड उठ के यहाँ जा सकता है। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे, फिर से हम समझा रहे हैं क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है किसी को, ये जो आपके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का? फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, जब ये दो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गए तो यहाँ एक बॉन्ड आ जाएगा, एज्यूम करो 3 बॉन्ड और 2 बॉन्ड, तो मतलब इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे जो कि बिल्कुल सही नहीं है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो ये नेचुरली हो रहा है, आप कुछ नहीं कर, अपने आप हो रहा है ये चीज़ें, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे स्टेबल होने के लिए। तब आप देखिए जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा उसमें यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और ये ऑक्सीजन के पास 2 ही लोन पेयर रहे क्योंकि इसके पास 8 हो गए हैं, इस कार्बन के पास यहाँ सिंगल है क्योंकि ये 4 बॉन्ड हो गए और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास ये 2 तो थे ही और एक ये वाला लोन पेयर भी आ गया। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला बना। एक और मैं बना रही हूँ, बिल्कुल आसान है, जो काम ये वाले लोन पेयर ने करा था वो ये भी तो कर सकते हैं ना, ये वाले यहाँ आ सकते हैं,
तो इसकी वजह से ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। तो मतलब यहाँ नहीं करो, इसको उल्टा कर दो बस, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है तो उसको उधर कर देंगे अपन ट्रिपल बॉन्ड, अगर लोन पेयर ये वाले इस साइड आए। तो जो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा, यहाँ पर ओ कर दो आप, यहाँ सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ओ, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक लोन पेयर आएगा और यहाँ पर आपके पास ये लोन पेयर आ गया। ठीक है, तो ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम अगर देखेंगे तो सी ओ सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है, जैसे मैं बता रही हूँ, सी ओ सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड लेंथ जो है वो है 121 पिकोमीटर। ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ का जो मतलब ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है ट्रिपल का वो है 110 पिकोमीटर। तो सिंगल का 121, ट्रिपल का 110, लेकिन देखा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड इक्वल हैं और उनका लेंथ है 115 पिकोमीटर। तो अपन कहेंगे बट इन CO2 molecule, it is observed that all the bonds are equal, कितना 115 पिकोमीटर है सारे ड्यू टू रेजोनेंस। ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं सारी, ये सब एग्जाम्पल आप अपने आप एक दफ़ा मतलब रफ कॉपीज में या पेजेस में बनाएंगे ताकि आप इस मतलब इन टॉपिक्स से आप पक्का आपको समझ में आने लगे। तो जल्दी से आप ये बना लें अपनी कॉपी में, इस तरह से बहुत स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं इसके अलावा भी, बट काफ़ी है कि अपन ने 3 दे दिए, बल्कि आप कोई सभी नाइट्रेट का भी बना सकते हैं अपने आप एग्जाम्पल, चाहे तो आप कोई कितनी भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां जल्दी से आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अब हम लास्ट छोटा सा एक चीज बताएंगे रेजोनेंस के बारे में, अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे बिल्कुल लास्ट, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं रेजोनेंस के, जैसे ये पढ़ेंगे। कुछ तो अपन ने बीच में डेफिनेशन में बता ही चुके हैं अपन के, पोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई सेम रहती हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग सेम रहते हैं। इसके अलावा अपन ये बता रहे हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये देखा जाए तो रियल एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है, जैसे रियल एग्जिस्टेंस होता है जैसे मैं खड़ी हुई हूँ, अब मैं 45 मिनट से खड़ी बोल रही हूँ तो मेरा रियल एग्जिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होते हैं। जैसे एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक सेकंड का भी फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल आपने देखा तो ये है, फिर ये चला जाएगा, फिर ये चला जाएगा, तो मतलब ये चेंज होते जाते हैं। क्यों ऐसे ये चेंज होते जाते हैं, क्योंकि एक से जब दूसरे में जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अपन आप हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ RS, व्हाट इज RS, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस जनरल, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस कुछ भी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे अपन रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल एज द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज द लीस्ट, है ना, ये पहला पॉइंट है। मतलब वही सब जो अपन समझा रहा है वही पॉइंट है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल एज द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज द लीस्ट। ओके, सेकंड अपन वही जो मैंने अभी समझाया कि कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, तो सेकंड कैनोनिकल फॉर्म्स का हो या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का हो बात एक ही है, कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, है ना, रियल एग्जिस्टेंस उनका नहीं है, कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। कंप्लीट करें जल्दी से, इसके बाद अपन थर्ड वाला लिखेंगे, द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम
फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन कैनोनिकल फॉर्म, सी एफ या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर दो, आर एस. द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन आर एस एंड फॉर अदर फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन अदर आर एस. द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन आर एस एंड फॉर अदर फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. मतलब एक साथ नहीं रहते, एक आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा आया, इस तरह से वो चेंज होते जाते हैं. ठीक है. और जैसे मॉलिक्यूल के अपन को इतने सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक एक सेकंड में चेंज हो रहे हैं, तो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस हाइब्रिड ही होता है. ठीक है. और एक बात और ध्यान रखिए, इन स्ट्रक्चर्स में इक्विलिब्रियम नहीं है. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जैसे ये अगर इधर जा रहा है तो ये वापस इधर आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है. ये यहाँ जा रहा है, हो सकता है ये वाला इधर चला जाए, ये कहीं और चला जाए, तो देर इज़ नो इक्विलिब्रियम. तो थर्ड पॉइंट आप डाल दो, मैं डिक्टेट कर देती हूँ. देर इज़ नो एनी इक्विलिब्रियम. और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो असर्शन रीजन आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, उनमें ये सब पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस होती है. तो देर इज़ नो सच इक्विलिब्रियम बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आर एस कर दो. देर इज नो सच इक्विलिब्रियम बिटवीन आर एस, आर एस के बीच में कोई इक्विलिब्रियम नहीं है. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में कोई इक्विलिब्रियम नहीं है. एंड द लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे, द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज द रेजोनेंस हाइब्रिड. द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. तो एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है? हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. जो हमारा है वो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है. तो अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर किया है, जिसका नाम था रेजोनेंस. तो आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ दो मिनट में. आज के लेक्चर में आपने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा, जो कहता था कि नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी है, और उतना ही कम बॉन्ड लेंथ है. इस तरह से अपन ने ये टॉपिक करा. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया था कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है. फिर हमने चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, जिसका नाम है रेजोनेंस एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. रेजोनेंस कहता है कि कभी कभी एक लेविस स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल की नहीं पता चलती, इसलिए मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं, और हर स्ट्रक्चर में से कुछ प्रॉपर्टी मतलब मिल जाती है, और एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है और स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है. तो इस तरह से मैंने ओजोन मॉलिक्यूल देखा अपन ने, जिसके अंदर 128 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ था, जबकि एक्चुअल का 121 था और 148 था, लेकिन दोनों बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सेम था ड्यू टू रेजोनेंस. फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का देखा, जिसके अंदर 115 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड का 110 है और डबल बॉन्ड का 121 है. फिर हमने कार्बोनेट मॉलिक्यूल भी देखे. फिर हमने कंक्लूजन ये निकाला कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इमेजिनरी और स्ट्रक्चर्स हैं, ये रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता इनका. एक स्ट्रक्चर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आग झपकी दूसरे में चला जाता है, इक्विलिब्रियम उनके बीच में नहीं होती है, और उन स्ट्रक्चर्स में न्यूक्लियाई की पोजीशन, न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग पेयर या नॉन बॉन्डिंग पेयर सब सेम रहते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर चेंज होते, मतलब पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होती है बस. तो ये हमारा टॉपिक था आज की क्लास का. एंड अगली क्लासेस में अपन ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंटिन्यू करते जाएंगे. डोंट फॉरगेट कि टू सी ऑल द वीडियोस, बहुत अच्छी तरह अपने नोट्स बनाइए, एंड टू शेयर योर नॉलेज विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड इन योर सर्कल, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो. सो दिस इज फ्रॉम DAC टीम, डॉक्टर अमीना, HOD केमिस्ट्री. बाय बाय, ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी एंड सेफ.